आप सभी को सक्सेस मूड में स्वागत है। बहुत खुशखबरी की बात है, रेलवे की नई भर्ती देखने को मिली है। जो आपका आवेदन है वो जनवरी से पढ़ने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, A to Z यानी सभी जानकारी आप लोग को मिलेगी। कुल पद 12,000 है, एज लिमिट में कितना छूट है, सिलेबस कैसा है, फिजिकल कैसा रहेगा, मेरिट किस पर बनेगा, आप लोग पूरी तरह इस वीडियो को देखें अंत तक, पूरी जानकारी मिलेगी। रेलवे में कितनी पोस्ट है, कैसा चयन प्रक्रिया है, सब की सब जानकारी मिलेगी आप लोग को। तो देखिए, रेलवे न्यू वैकेंसी 2023-24, पहले पोस्ट देखेंगे, पोस्ट कितना दिया है। तो कुल पोस्ट है 12,000 लगभग प्लस में है। इसमें कांस्टेबल का दिया है 9,000 और SI यानी सब इंस्पेक्टर का दिया है 3,000। इसका जो अप्लाई होने वाला है जनवरी में शुरू होगा 2024 में, और लास्ट डेट इसका है फरवरी 2024 में। ठीक है, तो आप लोग जितने कैंडिडेट हैं रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द तैयारी में लग जाइए। और इसका जो आवेदन है जनवरी में, आवेदन सब लोग करिएगा। पहले इसका रिटर्न एग्जाम होगा जो ऑनलाइन होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, मेरिट आपका बनेगा। आप फिजिकल फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना क्वालिफिकेशन है। तो लिखा है यहाँ पर, पहले दसवीं पास केवल, लेकिन इस बार हो सकता है 12वीं पास, ठीक है। तो आप लोग जितने लोग 12वीं पास है, तो आप लोग कांस्टेबल में अप्लाई कर सकते हैं। और जो BA किए हुए हैं उनको लिए SI का पोस्ट है। देखिए, इसमें सैलरी अच्छा खासा है, 21,700 रुपया है, और सब इंस्पेक्टर के लिए 34,400 रुपया पर मंथ के लिए है, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं इसमें एज में कितना छूट दिया है। तो एज में देखिए, एज में गर्ल्स के लिए कितना दिया है, बॉय गर्ल्स के लिए मिक्स में 18 और जो अधिकतम है 25, ठीक है। OBC गर्ल्स के लिए 3 साल की छूट है, जो अब 28 साल का हो गया है। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, जो 30 साल के लिए हो गया है। मतलब यानी 5 साल की छूट दिया गया कोरोना के लेकर, जो वैकेंसी नहीं दी गई है 19-20-21 में, उसके लेकर ये छूट दिया जा रहा है। तो आप लोग, बहुत बढ़िया अवसर मिला है आप लोगों को, जल्द से जल्द इसका तैयारी में लग जाइए। और जो भी डेट निकल रहा है आवेदन का, आप लोग सब लोग इसका आवेदन कीजिए और इस जो वैकेंसी है इसको पूरा कीजिए। देखिए, इसमें हाइट दिया है, मेल के लिए दिया है, जनरल और OBC के लिए 1.65 है, SC ST के लिए 1.60 सेंटीमीटर है। फीमेल के लिए देखते हैं तो जनरल OBC के लिए 1.57 सेंटीमीटर, ST के लिए 1.52 है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है, चेस्ट दिया है कितना है। तो जनरल और OBC के लिए 80 से 85, ठीक है, खुलाकर, और SC के लिए 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर। रनिंग देखिए, 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 दौड़ लगाना है, ठीक है। और महिला महिला पुरुष के लिए है 5 मिनट 45 सेकेंड 1600 दौड़, और महिला के लिए है 3 मिनट 45 सेकेंड 800, केवल 800 दौड़ लगाना है महिला के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं हाई जंप इसमें दिया है, तो बॉय के लिए दिया है 4 फीट और गर्ल्स के लिए दिया है 3 फीट। लॉन्ग जंप, इसमें लॉन्ग जंप भी दिया है, लॉन्ग जंप है बॉय के लिए 12 फीट और गर्ल्स के लिए 9 फीट, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इतना ही है। आप लोग तैयारी में जुट जाइए, और बेहतर से बेहतर जो भी कॉन्टेक्ट मिल रहा है आपको, मैथ, रीजनिंग, GK GS इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। कुल इसमें लगभग 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 20 मैथ, 20 रीजनिंग और GK GS साइंस भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पद को फायदा लीजिए। थैंक यू।